News 18, India. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। बड़ी खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां हिंसा के बाद प्रशासन ने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। प्रशासन का दावा यह है कि हल्द्वानी में पूरी प्लानिंग के तहत हिंसा हुई। प्रशासन ने दावा किया है कि जब नोटिस दिया गया था तब छतों पर पत्थर नहीं थे, लेकिन बाद में पत्थर जुटाए गए और पुलिस के साथ निगम की टीम पर पथराव किया गया। पेट्रोल बम फेंके गए, थाने को घेरा गया, पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। तो डीएम नैनीताल ने कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कई खुलासे किए हैं। पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, अवैध अतिक्रमण था। कल जो कुछ हल्द्वानी में हुआ वो पूरे देश ने देखा। इस वक्त स्थिति कंट्रोल में है, ये भी डीएम हल्द्वानी ने कहा। लेकिन ये कहा कि जब अवैध अतिक्रमण को लेकर के नोटिस दिया गया था उस वक्त इतने पत्थर नहीं थे, लेकिन जब कल अतिक्रमण को हटाने के लिए पूरी टीम पहुंचती है तो पथराव होता है, आगजनी होती है। और वीडियो फुटेज भी सौंपे गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि पहले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, यानी कि जो दंगाई वहां पर मौजूद थे, जो माहौल को खराब करना चाहते थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि जैसे ही यहां पर टीमें आएंगी, पुलिस की टीम आएंगी तो पथराव होगा। आप ये तस्वीरें देखिए, पुलिस थाने का घेराव करने की कोशिश की गई। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट में भी मामला गया था और हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि अतिक्रमण हटना चाहिए। और डीएम नैनीताल ने यह साफ किया कि जो सरकारी जमीन है जहां पर अवैध अतिक्रमण है, यह हल्द्वानी के एक इलाके की घटना नहीं है। अलग अलग इलाकों में अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश था, कुछ को नोटिस दिया गया था, कुछ को समय दिया गया था, कुछ को नहीं दिया गया था, लेकिन जो कल हुआ उसको पूरे देश ने देखा और पूरी प्लानिंग के तहत ये सब हुआ, ये डीएम नैनीताल ने साफ किया। जो फुटेज ली गई है ये जब 30 तारीख को नोटिसेस दिए गए थे इंक्रोचमेंट के लिए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंतर्गत, उस समय के फुटेजेस हैं। और इसमें आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो छतों का क्लोजअप है, इन छतों पे किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही है। ये 30th जब नोटिसेस सर्व करे गए थे इस एरिया में जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, उस वक्त के फुटेजेज हैं। इसमें जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं वो एम्प्टी हैं, उनमें कोई बड़ी भारी मात्रा में पत्थरों का दबाव नहीं है। इसको बंद कर दो। अब आप नेक्स्ट फुटेजेस पर आ जाओ, एक एक करके सब चलाते जाओ। इसको हटा दो, चला लो, इसको पूरा चला लो। ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई, जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई है, ये उस वक्त की फुटेज है। ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी और ये फर्स्ट टाइम, तब तक कंप्लीटली पीसफुल चल रहा था। ये लगभग डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के आधे घंटे बाद का इमेज है। नेक्स्ट, इसको बंद करो। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट टाइम की आगजनी की फोटो है, जब फर्स्ट आगजनी हुई थी। ये थोड़ा सा क्लोजअप व्यू है, वो दूर से था। इसको बंद करो, नेक्स्ट ले लो। इसको पूरा चला दो। इसको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना तो कोई पुलिस फोर्स किसी को प्रोवोक कर रही है, किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही, किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ना पुलिस की टीम। ये आप मॉब देखेंगे, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेज है। अब ये आप देखते रहिए, ये उस वक्त के फुटेजेस हैं जब थाने को अटैक करा गया, जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया।
ये उस वक्त की वीडियो फुटेजेस हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी फोर्स ना तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रही है, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये वाला चला दो, अभी जो चल रहा था थाने वाला, इससे उछटा वाला, सिक्स्थ वाला। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए, और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य भी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे, ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी के फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड हैं, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं करी, उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर। उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। ये आप फुटेज देख रहे हैं, और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी इस वक्त हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर एक जानलेवा और हिंसक साजिश रची गई। बकायदा प्रशासन ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरीके से योजना बनाकर के इतनी बड़ी आगजनी को अंजाम दिया गया। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हमसे सीधे जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। दीपक, जो प्रशासन ने तस्वीरें जारी की है, क्या और बताया गया, कितनी बड़ी यह साजिश थी और इन दंगाइयों का मकसद क्या था? देखिए प्रशांत, हम सुबह से लगातार न्यूज 18 इंडिया पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश थी। इसमें पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था, इसमें साजिशन वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई थी ताकि उसके बाद हमला हो सके। जब पुलिसकर्मी, खासतौर से महिला पुलिस को यहां पर निशाना बनाया गया था, और उसके लिए महिलाओं और बच्चों, जो नाबालिग बच्चों का भी इस्तेमाल यहां पर करने की बात आ रही है, तो कुल मिला के जो महिलाएं थी उन्हें आगे किया गया था ताकि महिला पुलिस पर भी अटैक किया जा सके। हमने देखा कि जितने घायल है उसमें तकरीबन 40 महिलाएं है, जो महिला पुलिसकर्मी है उन्हें भी चोटिल किया गया है। और साथ ही ये एक प्लानिंग थी, इस प्लानिंग के तहत, क्योंकि यहां पर डीएम साहिबा खुद कह रही है कि 30 तारीख को जब वो नोटिस की बात कर रही थी तब उतने पत्थर नहीं थे, यानी अगर यहां पर पहले से चेक किया जाता कि जो आज 9 तारीख है और 8 तारीख को ये डेमोलिशन होना था, तो 8 तारीख को उतने पत्थरों का ढेर अचानक कहां से आ गया? क्योंकि ये पत्थर यहाँ पर जानबूझकर बढ़ाए गए थे, प्लानिंग की गई थी कि अगर डेमोलिशन होता है तो उसका विरोध किया जाएगा, और विरोध करने का तरीका ये होगा कि आगजनी होगी, पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, नगर निगम है, उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे। और 150 कर्मचारी नगर निगम के जब वहाँ पहुँचे थे, पुलिस बल उनकी सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के ऊपर कोई खिलवाड़ ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए जो वनभूलपुरा पुलिस थाना था वहाँ की पुलिस वहाँ पर पहुँची। उसके बाद ये पूरा प्लानिंग के तहत वहां पर हमला किया गया। 3 बजे से यहां पर जब शुरुआत होती है ध्वस्तीकरण की, और उसके बाद लगभग 5:30 बजे वहां पर एक बड़ा उपद्रव हो जाता है, और ये उपद्रव अचानक नहीं होता, अचानक लोगों की भीड़ 200 से 2000 नहीं हो सकती, यानी एक बड़ी साजिश थी। लोगों को फोन कॉल्स किए गए कि जल्दी आ जाओ, और बनभूलपुरा थाने को घेर लिया गया था, और उसके बाद लोगों की भीड़ जो वहां पर पहुंची, उनमें से उपद्रवियों ने लगातार, जो अंधेरा हो गया था क्योंकि 6 बजने का समय हो गया था, अंधेरा हो गया था, और उसी का फायदा उठाकर पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया गया, जो आगजनी हुई पुलिस की गाड़ियों पर और पथराव हुआ पुलिस थाने पर। और आपने देखा था, हमने दिखाई थी न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर वो एक्सक्लूसिव थाने की तस्वीर, जहां पर पूरा थाना तहस नहस कर दिया गया था। दीपक, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की तस्वीर आज से पहले हमने कभी नहीं देखी थी। आप ये बताइए कि जो उपद्रवी पकड़े गए हैं, जिन्होंने पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की, क्या वो स्थानीय है या टूल किट का हिस्सा है, क्रिमिनल इतिहास रहा है, क्या जानकारी उनके बारे में मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जसप्रीत, सबसे बड़ी चीज़ है कि टूल किट का हिस्सा होंगे तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा तो कई ऐसे किरदार होंगे जो इसको लीड कर रहे होंगे कि आपको इस दिन फलाना जगह पर इकट्ठा होना है, और आपको ये एक टास्क सौंपा जाएगा कि इतने लोग पेट्रोल बम तैयार करके लाएंगे, इतने लोग लाठी डंडे लाएंगे, और इतने लोग पत्थर इकट्ठा करेंगे। ये एक प्लानिंग थी। घरों की छतों से जो पत्थर पुलिस पर बरसाए गए थे, वो पत्थर कहाँ से आ गए? छत नीचे से छत पर पत्थर तो ऐसे जाता नहीं, यानी वहाँ पर पहले से तय मुताबिक इकट्ठा किया जा रहा था।
नीचे सरिया रॉड हमने जो दिखाई कैमरे पर, पेट्रोल पंप छोटी छोटी बॉटल्स पर पेट्रोल भर के लाया गया था, और गाड़ियों पर आग ऐसे ही नहीं लगती है, उसमें पेट्रोल छिड़का जाता है फिर आग लगाई जाती है। तो यहाँ पर वो सब कुछ देखने के लिए मिला, और अब ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि वो बच जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी उनकी गलतफहमी है, क्योंकि आसपास नहीं तो कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे पर पुलिस को कुछ ऐसे चेहरे नजर आएंगे सीसीटीवी कैमरे पर, जिनके बिना पर वो इन लोगों तक पहुंच सकती है। पहले पुलिस उन तक पहुंचेगी जो सबसे पहले विरोध करने पहुंचे थे, और उसके बाद उन लोगों तक पहुंचेगी जो विरोधियों का सपोर्ट करने यहाँ पर पहुंचे थे, और इसी वजह से ये पूरी लाइन को तैयार करने के लिए पुलिस को एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी होगी। और ये तफ्तीश भी आगे बढ़ेगी कि आखिर ये कितनी बड़ी साजिश रची गई, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बयान दिया है उसके मुताबिक यहां पुलिस वालों को जिंदा जलाने की प्लानिंग के तहत इस तरह की आगजनी की गई थी, और एक बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया। नगर निगम और पुलिस की टीम हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को तोड़ने के लिए गई थी। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल ही रहा था कि वहां रहने वाले लोग बुरी तरह से भड़क गए, और उन्होंने ऐसा कोहराम मचाया कि पुलिस की जान पर ही बनाई। पहले तो तीखी बहस शुरू हुई, महिलाओं ने पुलिस के साथ तूतू मैं शुरू कर दी, मगर मामला जब और आगे बढ़ता दिखाई दिया तो लोगों के सिर पर खून सवार हो गया, और उन्होंने पुलिस पर ही अंधाधुंध पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक एक कर एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में। तो न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हुई वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जिनमें बीती शाम हुई हिंसा का पूरा कच्चा चिट्ठा है, कैसे माहौल खराब करने की कोशिश हुई इस रिपोर्ट में आप देखिए। अभी की स्थिति है वो इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरे इलाके में कर्फ्यू है, और बनबुलपुरा ठीक थाने के सामने हम लोग खड़े हैं, और उसके ठीक सामने आपको एक बड़ी सी वैन दिखाई देगी, ये भी जलाई हुई है, उपद्रवियों ने पूरी तरह से तहस नहस किया था, जिसके बाद अब मीडिया को आगे जाने की परमिशन यहाँ से नहीं दी जा रही, क्योंकि आगे का जो इलाका है वो वही ध्वस्तीकरण का इलाका है, और इलाके में कर्फ्यू है, इसीलिए पुलिस बल लगातार गाड़ियों से यहाँ पर लोगों को आगाह कर रहा है कि वो अपने घरों से आगे ना बाहर नहीं आए, क्योंकि आज कर्फ्यू का समय है और लोग यहाँ से बाहर नहीं आए, और उसके साथ ही आज जुमे की नमाज भी है, और लोगों को इसीलिए आगाह भी किया जा रहा है कि वो अपने घरों पर रहें। और जिस तरह से कर्फ्यू की स्थिति है, कर्फ्यू की स्थिति में किसी भी तरह से बाहर नहीं निकला जा सकता, क्योंकि देर रात जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ था उसके बाद सरकार को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि ये जो गली आपको दिखाई दे रही है ये पूरी गली भरी हुई थी लोगों से, और अब इस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी जो कर्फ्यू के हालात हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। सामने मेरे दिखेंगे आप ये जो बाइक वगैरह जली है, उसके अलावा जो सामने की तरफ देखेंगे वो सारा जो रूट है ये सभी इस वक्त कर्फ्यू क्षेत्र वाला रूट है, और बनभूलपुरा थाने के ठीक सामने की स्थिति ये इस वक्त काफ़ी भयावह है, क्योंकि सभी वाहनों को तकरीबन 40 से 50 वाहनों को यहाँ पर आग के हवाले किया गया था, और उस स्थिति में यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, जिसके बाद आज यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है, और उसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस की कंपनियां हैं उनको बुलाया गया है, पीएसी को बुलाया गया है, ताकि स्थिति को संभाला जा सके। और वो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जो प्रशासन की ओर से भी जारी किए गए कि किस तरीके से योजना बना करके एक बड़ी हिंसक वारदात को उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंजाम दिया गया। दीपक हमारे सहयोगी लगातार यहां पर बने हुए हैं। दीपक, जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहा गया वो खास बात ये कि जब अतिक्रमण हटा लिया गया उसके आधे घंटे बाद इस तरह की साजिश शुरू हुई और एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, मतलब इन्हें अतिक्रमण हटाने के बाद उकसाया गया और इस तरह की हिंसक वारदात के लिए योजना बनाई गई, क्या यह साबित हो रहा है? देखिए प्रशांत, जिस तरह से डीएम वंदना सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह तो कह दिया कि यह साजिश है, और जो पत्थर 30 तारीख से पहले नहीं थे वो कल यानी 8 फरवरी को अचानक कहां से आ गए। और दूसरी तरफ साजिश की अगर मैं बात बताऊं तो ये जो प्लानिंग थी ये एकदम से नहीं होती है, किसी भी मॉब को इकट्ठा करना पल भर का काम नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। कई इसमें लीडर सामने आएंगे, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो कई ऐसे लोगों के चेहरे सामने आएंगे जो इस पूरे मॉब को यहाँ पर लीड कर रहे थे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे आगे महिलाओं को रखा गया था, बच्चों को रखा गया था, ताकि पुलिस जो है उन पर उलझ जाए, क्योंकि पुलिस महिलाओं और बच्चों पर कभी भी आगे पीछे धक्का मुक्की नहीं करती, और इसीलिए उनको रखा गया था। जब महिला पुलिस को आगे
किया गया तो उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया और उसी दौरान आपाधापी में आगजनी और पुलिस की जो वैन थी उसको आग के हवाले किया गया। पुलिस थाने के सामने गाड़ियों को रखा गया था, उनको आग के हवाले किया गया और एक सोची समझी साजिश के तहत वहां से पत्थर फेंके जा रहे थे। पुलिस अगर गली में जाती तो वहां पर पत्थर फेंके जा रहे थे, जिस भी गली में जा रही थी पुलिस तो वहां पर पत्थर फेंके जा रहे थे, तो वो सारे पत्थर छत में कहां से आए? यानी पहले से प्लानिंग थी, आधे घंटे या एक घंटे की बात नहीं है। ये तो अधिकारी भी मान चुके हैं कि ये साजिश पहले से थी और उसको यहाँ पर अमलीजामा पहना दिया गया। ठीक है दीपक, मेरे दो सवाल आपसे हैं। पहला ये कि स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हल्द्वानी से इस तरह की तस्वीर कभी सामने नहीं आई है।